पिछले दिनों पुलिस ने लगातार ऑर्गेनाइज गैंग प्रमुख तौर पर संगठित अपराधों पर लगातार कार्रवाइयां की हैं, और उस कड़ी में 4 दिन पूर्व कुछ अपराधी पकड़े गए थे जिनके पास से उन अपराधियों को पकड़ने के बाद उनसे से 4 पिस्टल्स मिली थी, और साथ ही पूछताछ में पुलिस को कुछ जानकारियां मिली। उसमें प्राप्त जानकारी में इस बात का भी था कि कुछ और गैंग्स, हालांकि वो जानकारी सटीक नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ और गैंग्स के बारे में जानकारी मिली जो इस इलाके से बड़ी संख्या में यहाँ पर हथियारों को लेकर के, जखीरे को लेकर के, मुख्य तौर पे उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों और कुछ हरियाणा के कुछ इलाके में ले जाने की योजना थी। उस प्रारंभिक जानकारी के आधार पर पुलिस ने, डीसीपी क्राइम और एडिशनल डीसीपी क्राइम, इनकी टीम ने लगातार इस पर कड़ी निगरानी रखी और सूचना का लगातार इसमें सूक्ष्मता से निरीक्षण किया, उसको और विस्तार किया। तो उसके बाद लगातार 3 दिनों की मेहनत के बाद उसमें बड़ी सफलता मिली, जिसे पता चला कि कुल 4 अपराधी एक कार में, एक i20 कार में, मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से, बड़वानी के आसपास से, कुछ हथियारों को लेकर के अभी आगरा की तरफ भागने की, ले जाने की योजना बना रहे थे। कार जो थी वो हरियाणा के पासिंग नंबर है, हरियाणा के जिंद के नाम, जिंद का जो शहर है वहाँ के नंबर से, नाम से रजिस्टर्ड है। वहाँ पे गाड़ी जब आई तो पुलिस को सबसे पहले वहाँ पे यहाँ पर राव के पास में पुलिस से उसकी टक्कर हुई, पुलिस ने गाड़ी से उसमें टक्कर भी हुई, उस कार में भी टक्कर लगा और अचानक वहाँ से कार भागी। ये घटना लगभग सुबह अर्ली मॉर्निंग की है, लगभग 3:30 के आसपास की सुबह की घटना है। उसके बाद से कार यहाँ से भागी, भागते हुए फिर पुलिस ने चारों तरफ सूचनाएं दी, खलघाट में भी, वहाँ भी आसपास में पुलिस की टीम लगी थी। बाकी अंत पीछा करते हुए इसको लगभग, मैंने बताया कि ये जो पूरी सूचना थी, इस सूचना के आधार पर काफ़ी लंबे समय तक इसमें जद्दोजहद और काफ़ी पुलिस की लंबी कार्रवाई चलती रही। इस पूरी कार्रवाई में कई जगहों पर रहे, चूंकि सुबह का समय था, रात का समय था, तो उस समय ये जंगल की तरफ भागे सनावत में। उनकी गाड़ी 2-3 जगह टक्कर भी हुई है, ये आप गाड़ी देखेंगे तो, जैसे पुलिस की गाड़ी से भी एक जगह राव में, जो कि ये अंदाज़ा नहीं था कि शुरू में 3-4 पिस्टल्स का अंदाज़ा था कि शायद उतने पिस्टल्स होंगे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा जखीरा निकला और ये सनावत के जंगल में चले गए, तो वहाँ सर्चिंग। लेकिन खास बात है कि इसमें चूँकि गाड़ी मिल गई है, गाड़ी के बारे में भी हम हरियाणा पुलिस संपर्क करके वहाँ से जानकारी लेंगे, इसमें व्यक्ति जिसके नाम पे उसकी भी जानकारी आ गई है, तो इसमें 4 लोगों को होने की संभावना है। उसमें शुरुआती चेक में जब पुलिस ने राव पे चेक किया तो अचानक के बजाय रुकने की उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, तो वहाँ गाड़ी से टक्कर हुई और उस टक्कर के बाद भागे, तब पुलिस का शक बढ़ गया। उसके आधार पर पुलिस ने खलघाट में फिर वहाँ रुकने की, बैरिकेड के साथ वहाँ टक्कर हुई है, बैरिकेटिंग वहाँ जो लगी थी, फिर वहाँ से महेश्वर रोड पर भागे हैं, फिर आगे सनावत के पास में, क्योंकि घेराबंदी भी जगह जगह हो गई थी, तो सनावत में जंगल की तरफ भाग कर वहाँ गाड़ी छोड़ के भागे। पुलिस वहाँ पहुँची, पुलिस ने तलाशी ली, तो चूँकि जल्दी में हथियार नहीं ले जा पाए थे कोई भी, हथियार पुलिस ने जब्त कर लिया, गाड़ी जब्त कर ली, और आरोपी जो है उनको पुलिस पकड़ेगी, क्योंकि इसमें गाड़ी से संबंधित जो जानकारियां हैं वो पुलिस को मिल गई। पास के जंगल में वहां पर इस कार को पकड़ा गया, इसमें से क्योंकि जंगली इलाका था और पुलिस पीछा कर रही थी, बहरहाल कार छोड़ करके अपराधी जंगल की तरफ भाग गए। जंगल की सर्चिंग की गई, वो नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी कार मिल गई है। कार का रजिस्टर्ड नंबर जो बताया मैंने कि हरियाणा के जिंद के नाम से है, जिंद के शहर के नाम पर है। साथ ही साथ इसमें जब पुलिस ने सर्च किया तो बड़े उसमें चौंकाने वाले बहुत सारे हथियारों का जखीरा मिला। खास तौर पर यह जो हथियार, इसमें 40 आधुनिक किस्म की पिस्टल्स हैं, और इसमें खास बातें हैं कि इसमें लगभग 36 मैगजीन्स हैं, जो मैगजीन्स लगी हुई हैं उनके अलावा 36 मैगजीन्स अलग से मिली हैं। और इस मैगजीन्स में खास बातें हैं कि सामान्य जो मैगजीन्स होती हैं उसमें 10 राउंड फायर कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैगजीन्स मिली हैं खास तौर पे हैं, जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा राउंड इसमें फायर कर सकते हैं, यानी कि विशेष तौर की ये अलग तरीके की, कस्टमाइज तरीके से करके ये सारी मैगजीन्स बनाई गई हैं। इसके आधार पर पुलिस ने कुछ जानकारियां जुटाई हैं और जल्द ही आरोपियों को भी इसमें, सभी आरोपी कानून की गिरफ्त में होंगे। बहरहाल इस तरह की कार्रवाइयों का अगर हम जिक्र करें तो इस कार्रवाई के अलावा अगर हम देखें तो लगभग पुलिस ने लगभग 190 के आसपास बड़ी पिस्टल्स पकड़ी हैं, 25 से ज़्यादा सिकली घर के ऐसे अड्डों को पकड़ा है जहाँ पे ऐसे हथियार बनते थे, उन पर कड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। 790 के आसपास इसमें से कारतूस लगभग किए गए हैं, लगभग 600 के पास आधे अधूरे बैरल्स मिले हैं। इस तरह लगातार ऑर्गेनाइज क्राइम पे जो मुख्य हथियारों का जो गैंग्स है उस पर पुलिस ने लगातार सक्रियता से काम किया है। अभी जो कार्रवाई हुई है इसमें मुख्य तौर पर कॉन्स्टेबल देवराज सिंह की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, सब इंस्पेक्टर मनीष
और इंस्पेक्टर इसमें सतीश द्विवेदी ने भी बड़ी मेहनत की है। साथ ही पूरा जो ऑपरेशन हुआ इसमें डीसीपी क्राइम महेश जैन और मुख्य तौर पर एडिशनल सीपी क्राइम गुरु प्राफर, इनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस पूरे ऑपरेशन में। बहरहाल पुलिस ने हथियारों के जखीरे पर और इसमें काम कर रही, इसमें खास तौर पर इस साल की कार्रवाई का एक खास असर ये रहा कि इस बार जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें पहले कारतूस नहीं मिलते थे। पुलिस के सामने भी चुनौती थी कि आखिर ये जो बैरल स्निफ के कारतूस कहाँ से मिलते हैं, लेकिन इसमें खास तौर पर इस साल की कार्रवाइयों में बड़ी संख्या में कारतूस ही पुलिस ने अलग अलग जगहों से जब्त किया है, उनके बनाने के तरीकों को जब्त किया है और ऐसे हथियारों को और लेथ मशीनों को पकड़ा था पिछले दिनों पुलिस ने। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।